इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों पर कब्जे के लिए सभी पार्टियां एड़ी जोरी का चोट चोर लगा रही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, असदुद्दीन ओवैसी की MIM हो, ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं है जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने पैर नहीं जमाना चाहता, यहां तक कि BSP भी। और इसलिए माहौल को हर तरीके से कॉम्पिटेटिव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हर कोई अपनी जोर आजमाइश भी कर रहा है। कल संभल के दौरे पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर अपना भाषण दिया, उससे सियासतदानों को समझने में यह भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि दरअसल योगी कौन सा कार्ड खेल रहे हैं। योगी ने सीधे तौर पर मुस्लिम पॉलिटिक्स पर हमला करने किया। इस तरह की पॉलिटिक्स को अंजाम देने वालों को कहा कि संभल में तालिबान समर्थक हैं, अब आज संभल के मैदान में ओवैसी मौजूद हैं, जहां उनके टारगेट पर मुस्लिम और यादव वोट दोनों हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण की शुरुआत की तो योगी सरकार पर हमला करके। ओवैसी ने कहा कि MIM की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। योगी की बात तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये पोस्टर की बात देख लीजिए। संभल में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में लगे पोस्टर में संभल को गाजियों की धरती बताया गया और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। गाजियों की धरती का मतलब है इस्लाम के वीर योद्धा और उनकी यह धरती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों ने इस पोस्टर को जो सामने आया उस पर कड़े एतराज जताए हैं। BJP ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव स्टंट है। संभल कभी भी गाजियों की धरती नहीं रही है, बल्कि संभल एक पौराणिक शहर है। तो इस तरह से इस पूरे मामले को एक अलग हवा देने की कोशिश की जा रही, अलग रंग देने की कोशिश की जा रही। और इस बीच किसी को यह बात बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए कि बीती रात ही MIM के अध्यक्ष ने शिवपाल यादव से मुलाकात की, यानी MY समीकरण का एक बिल्कुल ही नया आयाम प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो आज का मुकाबला इन तमाम मुद्दों पर, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया जातीय समीकरण होता हुआ दिखाई देगा? बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मुकाबला। आज असदुद्दीन ओवैसी संभल में हैं और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल में थे। योगी ने ओवैसी और अखिलेश यादव जैसे तमाम नेताओं पर जबरदस्त हमला किया, कहा कि संभल की धरती को तालिबान के समर्थन करने वालों ने एक तरह से हथियार रखा है, वो पैदा हो चुके हैं। जिस तरह से तालिबान बर्बरता कर रहा है, उसी तरह से कुछ नेता बेशर्मी के साथ काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे और इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं विस्तृत चर्चा कि क्या एक नए समीकरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई एक नए आयाम पर दिखाई दे रही है। बात करने के लिए हमारे साथ गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से, असीम बकार साहब MIM से, संगीत रागी जी चिंतक हैं RSS के, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से और मकसूद हाशमी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुकाबला। आप देख रहे हैं मुकाबला। क्या MY समीकरण का एक नया स्वरूप, एक नया आयाम आज हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर देख रहे हैं, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, असीम बकार जी, संगीत रागी जी, अजीज खान साहब और मसूद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव भाटिया जी, बार बार विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ तालिबान का जिक्र कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ अब्बास जान का जिक्र कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि MY समीकरण का एक नया प्ररूप तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में और उस प्ररूप को चोट पहुंचाने के लिए BJP ये कर रही है। नमस्कार अजय जी, देखिए मुझे तो भारतीय नागरिक होने के नाते बड़ा आपत्ति है कि जब असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं तो एक पोस्टर सामने आया है, उन्होंने कहा है कि संभल जो है गाजियों की धरती सरजमीन है। गाजी कौन होता है अजय जी? गाजी वो है जो मुस्लिम लड़ाका या जिहादी हो और काफिरों के खिलाफ लड़ता है। तो जब भारत में आप सांसद हैं, संविधान की आपने शपथ ली है, तो आप इसे गाजी कैसे बुला सकते हैं? ये धरती वो है जो भारत का हिस्सा है, यहां पे एक बहुत सांस्कृतिक विरासत है जी। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी अजय जी आपने क्योंकि तालिबान का जिक्र किया, तालिबान के सबसे बड़े अब्बू जान कौन है? ओवैसी जी भारत सरकार से सर्वदलीय बैठक में चीख चीख के पूछ रहे थे ये बताओ आगे का क्या रणनीति है,
जबकि बैठक में बताया जा चुका था। क्या ये चाहते हैं कि तालिबान को पता चले और जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं जिनको हम लोग वापस ला रहे हैं उनकी जान को खतरा हो? दूसरी बात, संभल से सांसद कौन है? शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के। आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तालिबान जो है ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों जैसी है। क्या ये उचित है? क्या महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से तुलना करेंगे आप उन लोगों की जिनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, महिलाओं को कटा हुआ तरबूज बताते हैं? और तीसरी बात जी, मैं आपके समक्ष एक पोस्टर है, इन्हीं का है, वो रख देता हूं, ये सारे दर्शकों को जानना जरूरी है, मेरे हाथ में है, केवल पढ़ रहा हूं, ये सवाल पूछिएगा। मुसलमानों, अगर तुम अदालतों का चक्कर लगाना छोड़कर अपने उलमा से मसले हल कराओ तो खुदा की कसम किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी शरीयत में दखल अंदाजी कर सके। अजय जी आप बताइए, न्यायालय तो संविधान के तहत बने, शरीयत कानून की बात तो तालिबान करता है, ये यहां पोस्टर इनका लगा मैं दिखा रहा हूं, कह रहे शरीयत कानून पे दखल नहीं कर सकता। अरे डंके की चोट पे कहते हैं ये भारत संविधान से चलेगा, ये शरीयत कानून से नहीं चलेगा। पूछिएगा जहर कौन उगल रहा है, सांप्रदायिक कौन बना रहा है? आपने तीन बड़े सवाल जी और शफीकुर रहमान पार्क जैसे लोग जी, आपने तीन बड़े सवाल रखे। अभी अभी तक हमारे साथ वकार साहब नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन समाजवादी पार्टी पर आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब अजय साहब दे रहे हैं। साहब देखिए अजय जी, सबसे बड़ी बात यह कि गौरव भाटिया के पास 4.5 साल का कार्यकाल जो उत्तर प्रदेश का बीता है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, सपने दिखाए थे, वायदे किए थे, ये जब पूरा नहीं कर पा रहे तो साहब ओवैसी साहब और तालिबान और पता नहीं क्या क्या के मुद्दों पे जा रहे हैं। अरे ये क्यों नहीं बता रहे अजय जी, ये 6 एम्स कब बनाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज कब बनाएंगे, 70 लाख नौकरी कब देंगे, ये युवाओं के हाथ में लैपटॉप कब देंगे? इन्होंने कहा था कि मैं 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी बनाऊंगा उत्तर प्रदेश में, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊंगा, इसकी बात नहीं करेंगे? ये इधर उधर तालिबान भाई जान बहन जान अब्बा जान अम्मा जान की बात करते हैं, साहब मुद्दे की बात कब करोगे? इस देश, ये देश कहां जा रहा है? उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है आज? आप उत्तर प्रदेश में आपके आपकी जो जमीन है पैर के नीचे से खिसक चुकी है, हर मुद्दे पर आप फेल हैं, हर पटल पर आप फेल हैं, हर पटल पर फेल होने के बाद आप धार्मिक उन्माद पैदा करके कोर्ट को कोर्ट का ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। अजी साहब अभी जिस पोस्टर का जिक्र कर रहे थे गौरव भाटिया जी, ये जो पोस्टर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अजी साहब, धार्मिक उन्माद में नहीं फंसने वाली, बिल्कुल अजी साहब नहीं बात करेगी। अजी साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिएगा। सर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, जिस पोस्टर का हवाला अभी गौरव भाटिया ने दिया, जो पोस्टर अभी हम लगातार अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, गाजियों की धरती, इस तरह की भाषा शब्दावली ध्रुवीकरण नहीं है तो और क्या है साहब? देखिए अजय जी, जिस शख्स का उत्तर प्रदेश में कोई वोट नहीं है वो इस उत्तर प्रदेश में इस तरीके की बात करके जनता को गुमराह करना चाहता है। उवैसी साहब का उत्तर प्रदेश में क्या है? 2017 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, 0.2% वोट मिला था, उससे ज्यादा नोटा को वोट मिला था, 0.9% मिला था। आज अगर बात करनी है आज समाजवादी पार्टी से बात करें बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने आज कोई काम नहीं किया और हमने जमीन पर उतर करके 4.5 साल इनकी नाकामियों को बेनकाब किया है और लगातार करता रह रहा हूं। हमारा जो कार्यकाल था हमने काम किया था, आज उवैसी की बात क्या करना? अगर बात इनको करनी है तो ये समाजवादी पार्टी की बात। चलिए एक छोटा जवाब गौरव जी, छोटा जवाब, उसके बाद में संगीत रागी जी के पास चल रहा हूँ और उसके साथ मकसूद साहब भी वेट कर रहे हैं। छिपाना चाहते हैं गौरव जी, एक छोटा जवाब, नाकामियों को छिपाना चाहते हैं, उवैसी के आड़ में नाकामियों को छिपाएंगे क्या? गौरव भाटिया जी उत्तर दे दूंगा। अजय जी देखिए, जब कम पढ़ के लिख के आए तो यही हालत होती है, कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनाए जाने थे, 26 क्यों नहीं बनाए? इनको ये भी नहीं पता है 30 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में बनाए गए हैं। एम्स की बात करिए, जरा बता दीजिए मुझे, शांत शांत हो जाए, कहां बनाया, जरा आप गुमराह। अजय जी प्लीज आइए, कुछ नहीं है, शांत हो जाइए, मैं बता रहा हूं, अगर आप सुनने की हिम्मत रखे, नहीं रखे तो कोई बात नहीं, आपकी सीट के नीचे धुआं है मुझे पता है, सुनिए आप मेरी बात। चलिए आप खुद, इन्होंने एम्स की बात करी अजय जी, बहुत परेशान हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप जवाब अजय जी ऐसे अच्छा नहीं लगता। अजीज खान साहब, अजीज खान साहब विनम्र आग्रह है, जरा सुनिए तो सही गौरव जी को कहना क्या है। उवैसी के आड़ में नाकामियों को नहीं छिपा पाएंगे। चलिए वकार साहब जैसे ही आते उनसे सवाल पूछेंगे। अजीज साहब, अजीज साहब आपने सवाल उठाए, अब जरा जवाब सुनिए प्लीज सर जी।
गौरव जी प्लीज संक्षेप में खत्म कीजिएगा। बिल्कुल संक्षिप्त में ही प्रयास करूंगा। सबसे पहले एक बॉल में विकेट उखड़ा है, छह बॉल होती है एक ओवर में, ये पूरा ओवर कैसे खेलेंगे। इन्होंने एम्स की बात करी, अजय जी ये जाएं रायबरेली जाइएगा, बताइएगा कि किसने बनाया एम्स वहां पे। आप गोरखपुर जाइएगा, एम्स की बात हुई ना, गोरखपुर में जो एम्स की बात हुई है किसने बनाया है, ये केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने मिलकर बनाया है। दूसरी बात, आज का चर्चा का विषय क्या है, गाजियों की धरती। क्या एक शब्द बोल पाए, निंदा कर पाए, नहीं कर पाए, इनका वोट खिसक जाएगा। और दूसरी बात शरीयत कानून की करी, कुछ बोला नहीं बोला, मुंह में दही जम गई। और मैं एक ही बात कह के अंत करूंगा जी, शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की तरह है तालिबान, हिम्मत है ये कुछ बोल दे, पार्टी से निकाला क्या। और इसीलिए इन लोगों का दोहरा सांप्रदायिक चेहरा जो है वो सामने आता है, हमसे विकास की बात करेंगे और खुद तालिबान की बात करेंगे। चलिए हम इसी मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके पास संगीत रागी जी, उससे पहले मकसूद साहब, इस तरह के पोस्टर्स के हिंदुस्तान के जो तमाम कानून हैं, जो आइन हैं, वो अलग हैं। आप मस्जिदों तक पहुंचिए, मौलानाओं तक पहुंचिए, अपने मसले समाधान कीजिए। आपको कानून की आवश्यकता नहीं है, शरीयत है जो कि आपको बचा कर रखेगा। ये पोस्टर की गाजियों की धरती है, हम किस स्तर पर आ गए, यही है क्या चुनाव का दायरा, यही है चुनाव की सबसे बड़ी बोली। अजय जी, जहां तक मैं जानता हूं, शायद मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, गौरव भाटिया जी एक सम्मानित वकील हैं, और मैं हिंदुस्तान की जगह जगह अदालतों में जब हम जाते हैं तो वहां बोर्ड लगे हुए हैं कि मीडिएशन से अपने मसले को हल कराइए, सॉल्व कराइए। और उसे क्या नाम है, तमाम तर कोर्ट इस बात की लोगों को जिनमें डिस्प्यूट होता है उनमें कहते हैं कि अगर आप मीडिएशन से अपने केस को सॉल्व करा सकते हैं तो उसके लिए जाइए, उसके लिए बाकायदा डेट देता है, टाइम देता है और मीडिएटर अपॉइंट करता है। तो अगर ओवैसी ने या किसी ने भी ये पोस्टर लगा दिया कि मुसलमानों तुम अपने जो मीडिएशन जो कोर्ट कह रहा है कि मीडिएशन आप वहां जाके कराइए, तो अगर हम अपने उलमाओं के पास जाके मीडिएशन करा रहे हैं और कोर्ट के पास नहीं जा रहे हैं, कोर्ट का समय बचा रहे हैं, कोर्ट का पैसा बचा रहे हैं, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आती। गौरव भाटिया जी शायद वकील है, मुझे जहां तक मालूम है जी, बिल्कुल। और जहां तक बात रही गाजियों की जी जहां तक बात रही गाजियों की, तो गाजियों की गाजी हम वो लोग गाजी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को मार के भगाया, अंग्रेजों ने जिन्होंने हमारी हमारी मादर वतन पर कब्जा कर रखा था, हमारी सोने की चिड़िया के पर नोच रहे थे, उन लोगों को हमने यहां से मार के भगाया, इस वजह से वो गाजियों की जमीन है, बाकी कुछ और नहीं है। बाकी ये जो गद्दार लोग हैं जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, और अंग्रेजों जब मलिका एलिजाबेथ यहां आई थी तो उसको सल्यूट कर रहे थे, उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे, ये उन लोगों की औलाद है, उन लोगों का वंश है, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। चलिए मैं छोटा जवाब ले लूं, मार के भगाया था, छोटा जवाब गौरव भाटिया जी, फिर मैं संगीत रागी जी के पास चल रहा हूं और वकार साहब भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। गौरव भाटिया जी छोटा जवाब सर। मसूद जी ने बड़े प्रेम से मुझसे कहा शायद वकील है। मसूद जी जितनी बार आप अल्लाह अल्लाह का नाम लेते हैं ना, उससे ज्यादा बार सर्वोच्च न्यायालय में जाके संविधान का नाम मैं लेता हूं। बहुत कम उम्र में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, फर्क क्या है, आपको ये नहीं मालूम, मीडिएशन होता है, सुनिए सुनिए, कोई नाराज होने की बात नहीं है, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका काम है मुस्लिम की बात करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, आपने मीडिएशन की बात करी, मीडिएशन में अगर नहीं मसला हल होता है तो वो न्यायालय ही जाता है, ये शब्द नहीं है इस्तेमाल किए जाते हैं। मुसलमानों अगर तुम अदालतों का चक्कर लगाना छोड़कर अपने उलेमा से मसले हल कराओ तो खुदा की कसम किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी शरीयत में दखल अंदाजी कर सके। ये आप चुनौती दे रहे हैं हमारी न्यायिक प्रक्रिया को। दूसरी बात आपको सुनिए, आपत्ति है, शांत हो जाइए, अच्छा नहीं लगेगा, आप बोलना चाहते हैं मसूद भाई आप बोलिए, हम हिंदुस्तान में तालिबान में थोड़ी ना, आप बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा आप था, बोलिए, लेकिन आपको किस चीज पे आपत्ति है, कौन सी लाइन पे आपत्ति है आपको? आपत्ति इस बात पे है कि शरीयत के कानून से देश नहीं चल सकता है, ये बात जान लीजिए, या संविधान से चलेगा और कानून से। और जब आप ललकारते हैं सरकार को, ये भी उचित नहीं है, क्योंकि सरकार चुनते कौन है, आप चुनेंगे, हम चुनेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चुनेंगे, ये बात समझिए। दूसरी बात, गाजी मैंने फोन पे देखिए टाइप किया है, फर्दू क्या कहता है अजय जी, एक लाइन में कह रहा हूं,
अ मुस्लिम फाइटर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। आप मुस्लिम होंगे लेकिन पहले आप मेरे भारतीय भाई हैं, मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है। तो ये गाजी की धरती कैसे हुई? क्या आप लोग कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं सिखों को ईसाइयों को मारेंगे काटेंगे? ये नहीं, सही नहीं, नहीं, नहीं है। आपको बताया, चलिए इसका जवाब रागी साहब, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके पास आने वाला था लेकिन अभी नहीं आ रहा। वकार साहब से इसका जवाब लेते हैं। वकार साहब, इस तरह के पोस्टर लगाने का मतलब क्या है? गाजियों की धरती और गाजी क्या है? गूगल, आजकल बच्चे के हाथ में है फोन, सब जानते हैं। गूगल कहता है क्या मुस्लिम फाइटर हु फाइट्स अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स? पकार साहब, देखिए गाजी जो है वो इस्लामिक डिक्शनरी का अल्फाज, गाजी का मतलब होता है बहादुर, विजेता, जीता हुआ। तो मैं तो समझता हूं कि पूरा भारत ही गाजियों की धरती है, सरपोखरी की जमीन नहीं है। खाली संबल की बात क्यों कर रहे हैं? मैं गौरव भाटिया जी से पूछता हूं कि अगर उनको डरपोक कहा जाए तो उनको कैसा महसूस होगा, और उनको कहा जाए विजेता हैं आप बहादुर हैं, आप गाजी हैं, आप जीते हुए हैं, तो कैसा महसूस करेंगे? तो मैं तो समझता हूं कि इस्लामिक और मुस्लिम भाषा जो है, उर्दू और अरबी जो है, अगर उसमें कोई ये कह रहा है कि हमारा देश गाजियों का देश है, तो आप उसको हिंदी में बोल दीजिए, संस्कृत में बोल दीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संगीत रागी साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गाजियों की धरती पर गाजी विजेता होता है, मुस्लिम आक्रांता नहीं। संगीत रागी साहब, देखिए अजय जी, मैंने सबको सुना है, मुझे लगता है कि बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो इस्लामिक शब्दावली जैसी और इस्लामिक भाषा जैसी कोई चीज है नहीं। दूसरी बात देखिए, अब्बू जान, भाई जान, धर्म हिंदू है, धर्म सनातन है, पहले तो ये बता दीजिए। सर मैंने आपको हस्तक्षेप नहीं किया, हम इस पे बात कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, आप धैर्य रखिए, दो तीन मिनट मुझे। अगर उल्टी सीधी बात करेंगे तो आप जैसे लोगों को हम सुनते नहीं है सर। सुन लीजिए, जितना आता है आप उस बारे में बोलिए, आप जिस चीज के विचारक है आप उस पर बात कीजिए, आप आरएसएस विचारक हैं, आपको वही आता है। अच्छा वकार साहब, वकार साहब जरा पहले रागी जी को बोलने तो दें। वकार साहब, विनम्र आग्रह है, रागी जी को बोलने दीजिए, आपको आपत्ति होगी बिल्कुल बोलिएगा प्लीज। रागी साहब कंटिन्यू सर। देखिए वकार साहब ये तो मुझे निर्धारित करने दीजिए कि कौन क्या बोलेगा। प्लीज सर इतनी 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 लिबर्टी मुझे दीजिए। वकार साहब उन्होंने ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है, ऐसी कोई अनपार्लियामेंट्री बात नहीं कही है जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। प्लीज सर, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस बेहुदे को बंद कीजिए टेलीविजन पर। जी नहीं, प्लीज बंद कीजिए। तुम जंगली तुम्हारी व्यवस्था है इस देश में, जंगली राज कायम करना चाहते हो तुम जंगलियों के औलाद हो तुम। यू आर कंप्लीट जंगली, यू आर बॉडी जंगली, तुम। अब मैं बोलना शुरू करूंगा, नहीं प्लीज हम इस डिबेट को एक तरह से स्वस्थ रखें, मेरा विनम्र आग्रह है। संगीत रागी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अपनी बात प्लीज कंप्लीट कीजिए सर। प्लीज सर, संगीत रागी जी, अदरवाइज यू वुड हैव स्टॉप्ड दिस इडियट। अजय जी, आई एम एलिजिंग दैट यू डोंट वांट ए हेल्दी डिबेट ऑन योर चैनल। नो सर, दैट्स नॉट द केस सर। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, वी हैव नोन ईच अदर फॉर इयर्स। संगीत रागी जी, प्लीज सर, यू आर स्टूपिड। अच्छा प्लीज वकार साहब देखिए, हाँ प्लीज वकार साहब, मैं आप सब लोगों को सालों से जानता हूं, आप सबका आदर है, इसलिए आदर पूर्वक एक बार फिर आग्रह कर रहा हूं, अपनी अपनी बात रखिए। संगीत रागी साहब, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जो आप कह रहे थे वो बात कीजिए प्लीज सर, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। पहले आप इसे रोकिए सर, बीच में रागी साहब अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए रागी साहब, लेट्स गेट टू द पॉइंट सर।
सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि गाजी इस्लाम की एक एक इस्लाम की एक व्याख्या है जो काफिरों और दूसरे धर्मों की हत्या की बात करता है। इसलिए मैं कहता हूं यह जंगली, असभ्य और मानवता के लिए कोड़ शब्द है और पूरे इस्लाम के इतिहास में इस कोड़ शब्द से इस्लामिक आक्रांताओं ने हमेशा इसका बढ़ावा दिया है। इस देश को इस्लामिक आज रक्तपात में नहाया गया है और इसकी इसकी व्याख्या कहीं और से नहीं आती है। इस्लाम अपने आप में रक्तपात का इतिहास रहा है इस्लाम का, और उत्तर प्रदेश क्या पूरी दुनिया में इस्लाम का इतिहास रक्तपात कर रहा है। इस्लाम सभ्यता और संस्कृति का संदेश बिल्कुल नहीं है। जो यदि दुनिया में यह समझते हैं कि इस्लाम शांति और सभ्यता और का प्रतीक है, वो माफ कीजिएगा, आप कुरान पढ़ लें, इन जाहिलों की पूरी असभ्यता की 1400 साल की कहानी पढ़ लें, तब आपको पता लगेगा कि ये कहां पर खड़े हैं। दूसरी बात, हम विकास कर लेंगे लेकिन हमारा विकास और सारे खत्म हो जाएंगे। इन जाहिलों ने नालंदा जलाया, इन जाहिलों ने तक्षशिला जलाया, इन जाहिलों ने इस देश के सारी सारी सांस्कृतिक प्रतीकों को जलाया। ये मानव जाति के अपराध है, ये मानव जाति के कोड़ है। जब भी नरेंद्र मोदी हुआ है आजादी के बाद से 47 से, इनकी समाज करने वाले करते हैं चलिए वकार साहब अच्छा रागी साहब आपने अपनी बात रखी। सर प्लीज रागी साहब आपने अपनी बात, मकसूद साहब प्लीज सर वन मिनट मकसूद साहब, वकार साहब हैज द राइट टू रिप्लाई। वकार साहब जवाब दे रहे, सिर्फ वकार साहब की आवाज, वकार साहब प्लीज जवाब दे। मैं तो देख रहा था कि जब ये गालियां बक रहा था इस्लाम के बारे में तो आपके चेहरे पे शांति दिख रही थी, आपने तो एक बार भी नहीं टोका कि किसी धर्म के बारे में इस तरह बात नहीं करना चाहिए। अजय कुमार जी आप एंकर हैं या धर्म विशेष के प्रतिनिधि हैं? मैंने किसी हिंदू धर्म के बारे में कुछ कहा? मैंने हिंदू धर्म कुछ बोला? मैंने किसी धर्म में टिप्पणी की? आपको शर्म आना चाहिए, आप एंकर हैं। और दूसरी बात इससे कह रहा हूं, जो अल्फाज इसने इस्तेमाल किए इस्लाम के बारे में, अपना चेहरा आईने में देखना जाकर बिल्कुल वैसे ही दिखते हो, कौन जैसे बदतमीज इंसान। आई डोंट लाइक दिस एंड आई डोंट लाइक बियर, मैं बर्दाश्त भी नहीं करूंगा, मैं सुनना भी नहीं चाहता ऐसे लोगों को। चलिए अब हम आते हैं अपने पूरे डिस्कशन पर वापस, इस बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं। दोनों वक्तों ने अपनी अपनी बातें सामने रखी। अजीज खान साहब मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, ये बताइए कि ये जो नए समीकरण की बात हो रही है, MY समीकरण का एक नया प्रारूप सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रारूप किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पौरोधा इसके जनक आप ही हैं। अजी साहब देखिए अजय जी, अगर इसको पूरे प्रकरण को देखो आप, तो जो परसेप्शन क्रिएट किया गया MY, समाजवादी पार्टी ने कभी भी MY की बात नहीं की। ये MY जो दिया गया ये बीजेपी का एक परसेप्शन है, इन्होंने क्रिएट किया। ये हर जगह एंगल ढूंढते हैं, आज इन्होंने एंगल ढूंढ करके मुसलमान और यादव की बात की। अरे साहब हम तो सर्व समाज की बात करते हैं, हम सर्वजन हिताय की बात करते हैं, हम कौमी इत्तेहाद की बात करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हम सबके विकास की बात करते हैं। ये बताइए कि मैंने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया तो क्या उसमें मुसलमान और हिंदू सब नहीं चलता है? क्या मैंने यहाँ पर तमाम विकास किया, मेट्रो बनाया, क्या उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए नहीं बनाया? खाली मुसलमान के लिए बनाया? खाली हमने यादव के लिए बनाया? इस तरीके की बात को करके कहीं ना कहीं आज बीजेपी के पास जब मुद्दा नहीं है तो वो मुद्दे को भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे सगुफे छोड़ रही है। और एक बात जान लीजिए, बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। आज योगी जी लगातार जिस तरीके से परेशान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, साफ सड़कों के नाम बदल रहे हैं। अरे भाई इन्होंने नाम बदलने के अलावा, रंग बदलने के अलावा काम क्या किया? काम की बात अगर काम वाकई में करते। चलिए जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, क्या आपके पैरों के तले जमीन खिसक चुकी है जैसा अजीज खान साहब चाहते हैं कि हमारे दर्शक विश्वास कर लें? गौरव भाटिया जी। अजय जी मुझे तो याद आता है कि एक ही पिता होगा जिसके पैरों के नीचे से जमीन और कुर्सी दोनों खींच ली थी किसी पुत्र ने, वो कौन है वो पूरा भारत जानता है। लेकिन इन्होंने एक बात आपके चैनल पे कही अजय जी कि हमने तो कभी मुसलमान की बात ही नहीं करी। देखिए हाथ में मेरे मैनिफेस्टो है इसका, साइकिल बनी हुई है, टूटी है, पंचर हो रखी है, वो बात अलग है।
इसमें इन्होंने तो इस हद तक मुसलमानों की बात करी। अजय जी शांत कराइए, लैंग्वेज में कमांड कराइए, शांत कराइए। सुप्रीम कोर्ट के वकील है, चलिए आप अजय जी कंट्रोल करें पहले, ये भाषा पे कंट्रोल करा ली, तमीज नहीं है बात करने, कैसे बात किया जाता है, सभ्यता से बात की करेंगे, यही उपहार देंगे, बता रहे हैं अजय जी, आपकी जिम्मेदारी है कि तमीज से बात करें। इतने बड़े अंतर है उनके सामने, आप सभ्यता से बात करूंगा तो मेरा सत्ता वेस्ट हो जाएगा इनके ऊपर। चुप रहिए अजय जी प्लीज जी, आइए आइए गौरव जी, आइए गौरव जी कंप्लीट कीजिए अपनी बात प्लीज सर। गौरव जी अजय साहब अरे थोड़ा सभ्यता से, चलिए अजय साहब उन्हें मौका देते हैं हम प्लीज जी। गौरव जी देखिए अजय जी, जब मैंने आईना दिखाया, मैं दर्शकों के लिए फिर से दिखा रहा हूँ, ये सपा का मैनिफेस्टो, आईना खुद देखिए, इसमें लिखा है आतंकवादियों को कैसे, शांत कराइए अजीज साहब जरा सुन लेते हैं, अजीज साहब प्लीज सर इस्तेमाल ठीक करिए। अच्छा अभी आपने कहा ना कि देखिए मैं बहुत पुराना एंकर हूँ, जाहिर सी बात है 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, इतना तो हम लोग एक दूसरे के लिए अकोमोडेट कर ही सकते हैं। गौरव जी प्लीज सर, देखिए आतंकवाद के लिए कितना इनका दिल धड़कता था मैं बताऊं, और मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि अगर मुसलमान युवा है और उस पर आतंकवाद का केस चलेगा तो वापस भी करेंगे और मुआवजा भी देंगे, मुस्लिम बच्चियां कक्षा 10 और 12 से पास होंगी तो 30,000 रुपए देंगे, इनका मैनिफेस्टो कहता है। तो सवाल यह है क्या आतंकवाद धर्म देख के होता है, आप बताइए, कि मुसलमान करेगा तो वो निर्दोष है, और ये बच्चियां हिंदू सिख ईसाई, इन बच्चियों को 30,000 रुपए क्यों नहीं मिलने चाहिए। अब मैं आता हूं AIMIM पे, AIMIM के प्रवक्ता ने अभी कहा कि अरे गाजी बड़ा अच्छा शब्द है, असीम वकार जी को मैं इतना ही कहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का उदाहरण देते ना, अब्दुल हमीद जी का देते, छाती 56 इंच की हो जाती है गर्व से जब अब्दुल हमीद की बात होती है, लेकिन महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी हम लोगों की विरासत नहीं है, आपको गर्व हो सकता है उस पर क्योंकि आप मुसलमान पहले भारतीय बाद में है, हम भारतीय पहले, तो हमें तो गर्व होगा तो अब्दुल हमीद पे होगा। और एक बात मैं और कहूं, ये एक और पोस्टर है, इनसे पूछिएगा ये कितना उचित है, अपशब्द कहे तो इनको बुरा लगा इनके हिसाब से, ये पोस्टर क्या कहता है, वसीम रिजवी और एक सरस्वती है उनके लिए कहता है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ये AIMIM के कानपुर यूनिट ने लगाया था, तलवार लगी है कि सर काट दो, यही है शरीयत कानून, इसी का हम विरोध कर रहे हैं। ये सही है कि गलत पूछ, वकार साहब जवाब दें सर, दो सवाल आपके सामने। देखिए सबसे पहली बात कानपुर यूनिट की नहीं बात, शरीयत को मानता है, रागी साहब प्लीज सर जवाब वकार साहब दे रहे हैं सर, वन मिनट सर प्लीज सर, ये सीधा सवाल AIMIM का है, जवाब दे रहे हैं वकार साहब जी। सर वकार जी, जिस कानपुर यूनिट की बात कर रहे हैं, जब वो बैनर लगा था और उसके बाद वो मामला सामने आया था, तो चैनल पर जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा बिल्कुल कानपुर पुलिस अरेस्ट करे, ढूंढे कौन लोग हैं जो देश में कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर, पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया, पुलिस को लोग मिले ही नहीं, अब क्या पता AIMIM के नाम लिखकर क्या पता गौरव भाई किसी आदमी ने लगा दिया वो बैनर, जांच होना चाहिए, काम नहीं करते हैं, कौन थे वो लोग, उच्च थोड़ी ना आपकी पार्टी के लोगों की, कौन थे वो लोग। अभी आगरा में एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया समाजवादी पार्टी के जलसे में, अरेस्ट हुआ तो मालूम पड़ा वो बीजेपी का आदमी था। चलिए शरीयत लो सही है कि संविधान, बताइए भारतीय पहले कि मुसलमान पहले, बताइए। अरे उसमें भी आ रहे हैं सर, सही हमारे देश में धर्म संसद सुना है, तुम बोलने नहीं देते हो ना, धर्म संसद तुम बोलने नहीं देते, पैसे धर्म संसद, अरे बकार तुम बोलने नहीं देते, तुम बोलने नहीं दोगे मुझे, इतराज नहीं करते, अरे वकार तुम बोलने नहीं दोगे ना मुझे, तुम बोल रहा था बोलने नहीं दोगे भाई, वकार आप बिल्कुल नहीं बोल रहे, तुम भी ना बोलने नहीं दोगे मुझे, किसकी औलाद हो तुम, नहीं 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 प्लीज प्लीज, पार्श्विकता पार्श्विकता तुम्हारी तुम्हारी पार्श्विकता की संस्कृति है,
तुम कौन हो मानवता के लिए? पूरी कौन हो मानवता के लिए? तुम इस देश में तुम्हारी जगह है, ये बहुत काफी है। तुम तालिबानी संस्कृति की उपज हो, संस्कृति की उपज है वकार साहब। ऐसा लगता है कि अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वकार साहब का कनेक्शन इस वक्त हमारा नहीं जुड़ रहा है। मसूद आसमी साहब, कनेक्शन तो उनका ढीला है ही अजय जी, जनता से भी कनेक्शन ढीला है। प्लीज प्लीज गौरव जी, दिस ये कहते हैं एक वकील का की आखिरी चोट। खैर मैं अभी हाशमी साहब के पास चलूं। हाशमी साहब, हम जिस गाजी के शब्द की परिभाषा को अभी तलाशने की कोशिश कर रहे थे, हम किसको अपने देश में महत्वपूर्ण मानते हैं? वो लोग जो कि हिंदुस्तान की जमीन से जुड़े हुए हैं, या वो लोग जिन्हें हम अक्रांता मानते हैं? मकसूद साहब, देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान ने हमेशा हिंदुस्तान से वफादारी की है, और हिंदुस्तान के मुसलमान का कोई इतिहास नहीं है गद्दारी का। आईएसआई को माल बेचने वाले, सबूत बेचने वाले, रेकी करने वाले, ये सब संगीत रागी की बिरादरी के हैं, इन्हीं लोगों के हैं। अभी गौरव भाटिया कह रहे थे पोस्टर का कि वो गुस्ताख रसूल की एक सजा, अरे दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर तुच्छे लोग जो अगर चार मुसलमान मिलके उसको आवाज लगा दें तो उनकी पैंट गिरी हो जाएगी। वो लोग नारे लगा रहे थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, और बाकायदा ये लोग जहां मुसलमान को अकेला देखते हैं, कहते हैं ना कि एक अकेले शेर को देख के चार कुत्ते भौंकने लगते हैं, वो हिसाब होता है। जहां अकेला मुसलमान इनको मिलता है उसके साथ लिंचिंग करते हैं, उसको मारते हैं और उसको मजबूर करते हैं कि जय श्री राम के नारे बोलो। और ये संगीत रागी जैसे लोग इस वजह से बोल रहे हैं कि हम जैसे लोग खामोश हैं। अगर हमने बोलना शुरू कर दिया तो तुम्हें हिंदुस्तान में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ नेशनल मीडिया पर बैठकर, नेशनल टीवी पर बैठकर। और बराबर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे उलमा को हमारे लीडर्स को किसी न किसी बात पे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। कल शाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। हम बहुत खामोशी के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं कि शायद अब प्रशासन होश में आए, शायद अब सरकार होश में आए, शायद अब न्यायालय होश में आए, शायद अब इस देश का हिंदू होश में आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मजबूर किया जा रहा है। गौरव जी यहाँ जवाब आपको देना बनता है। अगर हम कई तरह के संगीन आरोप सरकार पर भी और चेतावनी भी बोलने पर आबादा हो, गौरव भाटिया जी जो ये संगीत रागी बोल रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गौरव भाटिया जी अजय जी, ये जो धमकियां है ना, ये तालिबान का चरित्र है। और एक अच्छी बात करना लोकतंत्र में, ये भारतीय का चरित्र है। अभी इनको चुप कराइए, वरना मैं अजय जी बार हम आपकी धमकी सुनेंगे, इनकी हैसियत दिखा सकता हूं। यही वजह है कि आप के कुत्ते भौंक रहे हैं क्योंकि हम लोग खामोश हैं। अरे कुत्ते तुम होगे, क्या है ये डिबेट बताइए? गालियां दे रहे हैं ये लोग नागरिकों को, कुत्ता बुलाते हैं, क्या है ये बताइए मेरे भाई? अरे कुत्ता गाली नहीं है, कुत्ते को कुत्ता तो कहा जाएगा, कुत्ते को कुत्ता ही कहा जाएगा, कुत्ता गाली नहीं है। मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैं बहुत बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आज ये भाषा मर्यादित नहीं है जो इस डिबेट में हुई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी अफसोस के साथ मैं डिबेट को यही खत्म करना चाहता हूं। ये ठीक बात नहीं है, ये मर्यादित भाषा नहीं है। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हमेशा होना चाहिए, चाहे किसी भी स्तर पे हम बातचीत कर रहे हो, और कम से कम इंडिया टीवी के मंच पर हम मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है, इस डिबेट को हम यही खत्म कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर की यह लड़ाई उत्तर प्रदेश की चुनाव में है, और उससे अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, लिहाजा इंडिया टीवी का चुनाव मंच भी एक बार फिर तैयार है। कोरोना महामारी के बाद यह पहला इतना बड़ा चुनाव होगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिनके काम की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं और उनका कैंपेन भी लॉन्च कर चुके हैं। दूसरी तरफ योगी के विरोधी जातिवादी राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक का गणित लगाकर किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर पा रहे हैं। क्या उनकी ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? क्या उत्तर प्रदेश में विरोधी योगी और मोदी की जोड़ी को टक्कर दे पाएंगे? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे चुनाव के सबसे बड़े चुनाव मंच में।
जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव समेत उत्तर प्रदेश के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। 29 सितंबर को लखनऊ में रजत शर्मा जी के साथ देखिए चुनाव मंच। 2022 का जनादेश किसका होगा उत्तर प्रदेश, सिर्फ इंडिया टीवी पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।